बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल मैथ एजुकेटर्स ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक ऑक्सफोर्ड की 7th एडिशन की बुक 1 से है और उसकी हम एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन 11 सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि राज इज़ 12 ईयर्स ओल्ड, हिज सन वाज बोर्न When he was 9 years old। सबसे पहले स्टेटमेंट जब हमें कभी प्रोवाइड की जा रही हो तो उसमें आपको 2-3 मरतबा पढ़कर क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना होगा, ताकि आप क्वेश्चन को सही समझ सकेंगे तो हम उसको सॉल्व अच्छा कर सकते हैं। देखिए हमेशा जैसे हमें सीधा सीधा मीनिंग समझ आ रही होती है उस तरह पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, तो ये अब हमें समझना है कि किस तरह से, मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन। वो कह रहा है कि यहाँ राज की, यह सीधी बात है समझ में आ रही है, राज की उम्र 12 साल है और जब उसका बेटे की पैदाइश हुई तो वो 9 साल का था। यानी अभी राज की उम्र कितनी है? 12 साल। जब इसके बेटे की पैदाइश हुई तो वो 9 साल का था। ओके, अब तो हम क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले तो लिख दें कि राज करंट एज इज 12 ईयर्स। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद आफ्टर 5 ईयर्स राज एज इज, हमें अभी ये नहीं मालूम, अब हमें ये निकालना है। तो देखें कि राज की जो करंट एज है वो है 12 साल, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, जो भी एज उसकी है उसमें अपने उसमें जैसे कि इसकी एज है 12 ईयर्स, इसमें आपने ऐड कर देना है 5 ईयर्स, तो ये टोटल इसकी एज कितनी बनी, 12 ईयर्स बन गई। तो अब हम राज के बेटे की एज निकाल लेंगे, तो क्या लिख दें कि द एज ऑफ राज सन। देखें इसकी उम्र 12 साल अभी है, 9 साल का ये था जब इसके बेटे की पैदाइश हुई, तो इसमें से अब देखें 9 साल का ये था, इसमें से अब 9 साल का जब ये था तो इसके बेटे की पैदाइश हुई, तो उसके बाद इसके बेटे की भी एज इसमें से ही निकलेगी कि वो भी इसी के साथ साथ, ज़ाहरी बात है कि वो भी इस अरसे में, वो भी उसकी भी एज में इजाफ़ा हो रहा था उसके बच्चे की भी, तो कितना इजाफा हुआ इसकी एज में से, इसकी एज ये निकाल लें तो कितने बचेंगे, ये इसके बेटे की एज निकलेगी, क्योंकि 9 साल तक तो इसकी अपनी एज जब थी जब इसका बेटा हुआ था, वो 3 साल का इसका बेटा भी हो चुका है 12 साल में। अब देखें अब क्या हो सकता है, द एज ऑफ राज सन आफ्टर 5 ईयर्स। तो इसके बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, ये देख लीजिए 3 साल का इसका बेटा है अभी, 5 साल इसकी एज में इजाफा हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, इसकी बेटे की एज करंट ये बनेगी। अब इसी का पार्ट 2 है जो वो सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस इन 5 ईयर्स। अब देखें कि यहाँ पर इसके इनकी एजेस का सम क्या बनता है, द सम ऑफ देयर एजेस इन 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स टाइम। अब इनकी एजेस का सम 5 सालों में क्या बनेगा वो देख लेते हैं।
कि जनाब देखें, अब यहाँ हम लिख लेते हैं कि राज एज, हमें राज की एज कितनी मिली थी, इतनी मिली थी, और हिज सन सन्स एज वो कितनी हमें मिली है, वो हमें मिली है येरी। हमें ये एज इनकी मिली है, अब इनका सम कितना बनेगा, यानी सम ऑफ देयर एजेस इन 5 ईयर्स टाइम। तो द ऑफ द सम ऑफ देयर एजेस इन 5 ईयर्स टाइम, इज कितना हो जाएगा, इनकी एजेस का सम जब करेंगे तो देखें 12M प्लस 5 राज की एज और इसके बेटे की एज, इसको सम कर लें कितना मिल जाएगा हमें, 12 और 3 15M और 5 और 5 10, ये हमें इनकी एजेस मिल जाएंगी जिसके अंदर हमने इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना सीखा है कि किस तरह इसकी एज से हमने 5 साल बाद राज की एज निकाली, फिर इसके इनकी एजेस का सम निकाला। तो ये हमने इस क्वेश्चन में समझा है। तो हमारे चैनल को मैथ एजुकेटर्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अनटिल द वेरी नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।